तो आज है 25 दिसंबर, इसका मतलब आज है क्रिसमस। तो सबसे पहले मैरी 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 क्रिसमस टू एवरीवन। आप लोगों को पता है आजकल ना मेरी उठने का जो टाइम टेबल है ना, वो सुबह से शिफ्ट होके दोपहर पे शिफ्ट हो गया। मतलब मैं रोज उठ रहा हूँ 11 बजे 12 बजे, एक तो नहीं बजता है 11 बजे 12 बजे, कभी 10 बजे हो जाता है, लेकिन जनरली मेरे उठने का टाइम है 11 12 बजे। और वैसे ही आज सुबह भी मैं, मतलब आज दोपहर भी मैं 11 बजे उठा। उठने के बाद मेरे को कॉल आता है कि अपने को जाना है घूमने के लिए, अपने को जाना है चर्च, और चर्च जाने के बाद उधर खाने पीने के लिए, मतलब आज अपने को चिल वाला डे मनाना है अपने को अपना, ऐसा समझ रहे हो। अपन हो गया रेडी, अपने को टाइम मिला कि एच डी तू 1 बजे तक रेडी हो जा, बट अपन कहाँ टाइम के साथ चलते हैं। आप लोग को लगता है कि मैं 1 बजे रेडी हुआ हूँगा? व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स मी सोमेश एसजी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे दोपहर के 2 एंड आज क्रिसमस का दिन है। आज 25 दिसंबर 2021 है, पर अब थोड़े दिन में साल खत्म हो जाएगा। अपन पूरी तरह से रेडी है, निकलने का टाइम तो थोड़ा देर पहले था, 1 बजे निकलना था, बट 2 बज गए। अब वो तो पता है अपन लेट चलते ही है। बाकी ये अपना कैमरा बैग भी पैक हो गया है, ये भी पैक हो गए हैं, मतलब रेडी हो गए हैं। ये अपना लाइट काफी बढ़िया है, निकलते हैं यहाँ से। उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे, कौन से चर्च जाएंगे। भीड़ तो अपने को चाहिए नहीं, तो फोटो शूट करवाना है। अब जैसे तैसे 2:30 को अपन निकले चर्च जाने के लिए, और सबसे पहले अपन गए चर्च। भीड़ चर्च में बहुत ज्यादा हो जाता है शाम के, इस कारण अपन दोपहर में निकल गए चर्च। तो गाइस आप लोगों को पता है इतने दिनों से व्लॉग ना करने के कारण ना मेरा ना व्लॉग करने का जो आदत है ना वो हट गया था। मतलब अब जैसे पब्लिक पब्लिक देख के पहले मैं व्लॉग कर लेता था ना, वैसा व्लॉग हो नहीं पा रहा था। तो जैसे ही मैं चर्च पहुंचा ना, पहुंचने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा तो भीड़ था नहीं, लेकिन कुछ लोगों को देखा, और देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि यार व्लॉग कैसे करूँगा, पब्लिक इतनी ज़्यादा है। मतलब पब्लिक उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दिमाग में चल रहा था कि पब्लिक इतनी ज़्यादा है, ब्लॉग करूंगा, सब देखेंगे ये वो। और उस समय ख्याल आया कि ब्लॉग ना करूँ तो नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ का ब्लॉग कर लेंगे, इसका ब्लॉग ना करूँ तो। लेकिन अपन आज रुकने वाले नहीं थे, अपन को ब्लॉग आज करना ही था, मतलब करना था। मतलब ये हमारा पहला ब्लॉग है भैया, तो अपने को ये ब्लॉग करना था, मतलब करना था। तो अपन भिड़ गए ब्लॉग करने के लिए, अपन ने निकाला अपना फ़ोन एंड फ़ोन से सब ब्लॉग करना चालू कर दिया। चुके चर्च में एंड इधर ये सब हमारे दोस्त हैं जो अंदर जा रहे हैं। दो दोस्त और मिले, अपन दो तो बाहर से हैं, घर से हैं। ये लोग कहाँ बैठे थे यही लोग जाने। प्रे करते हैं एंड एरिया खाली है, उतना ज्यादा भीड़ नहीं है जितना अपन सोचे थे, उतना भीड़ नहीं है, एरिया खाली है। तो आते हैं थोड़ा यहाँ पर फोटो वोटो खिंचाएंगे, यहाँ जगह बहुत अच्छा है, यहाँ फोटो वगैरह शूट करवाएंगे, बाकी वीडियोस के लिए बी रोल वगैरह भी लेंगे। और बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा है व्लॉग कैसे करूँ, बाकी अच्छा बनेगा व्लॉग, टेंशन नहीं है। चर्च से निकलने के बाद ना अपने को ना समझ नहीं आ रहा था कि अपन जाए कहाँ, क्या करें, कैसे नहीं करें। अपन तो जल्दी निकल गए थे चर्च से, लेकिन अपने को समझ में आ नहीं रहा था। फिर याद आया कि अपन जब निकले तब अपन ने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया था, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो अपन ने डिसाइड किया कि कुछ खाने चलते हैं। खाने कहाँ जाएंगे,
आसपास मैप देखा गया और देखा गया कि क्या है खाने का, और अपने को फिर आइडिया आ गया, अपने दिमाग की बत्ती जल गई, अपने को आइडिया आ गया। तो बस गाइस यही था आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो था। और अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले वाले क्रिसमस में मैं यही चर्च में आया था। बाकी आप लोग को अगर वो वीडियो देखना है तो आप इधर इधर कहीं आ रहा होगा, आप देख सकते हो। आई होप आप लोग को मजा होगा वीडियो देखने में। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, ना हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो। मिलते हैं और एक एक्साइटिंग व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। तो मिलते हैं गाइस नए व्लॉग में, टाटा।